इन इन सुपरस्टार्स का स्वागत करेंगे. इट्स इट्स ओनली फेयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर of welcoming all of you as we are all set to present to you and the entire world the most awaited trailer of Hindustani 2, ladies and gentlemen. We have some of the biggest names of the Indian film industry जो कि हमारे साथ यहाँ पे विराजमान है and शुरुआत करूंगा उनसे जिनके लिए कहा जाता है उलग नायागन. मैंने इस शब्द का मतलब ढूंढा और इसका मतलब होता है हीरो ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल हीरो ऑफ कोर्स कमल हासन साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां. और सच बताऊं, ही इज समवन जिनको ऐसे किसी भी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू लुक एट हिज वर्क, उनकी फिल्मी जर्नी को अगर हम देखेंगे तो हमें पता है वो कहां है एंड उन्हें कितना सारा प्यार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मिलता है. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. अलोंग विद हिम, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ डायरेक्टर who's just fabulous. इससे पहले उन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े हैं, हम सबके दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है. शंकर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. उन्हीं के साथ एक बड़ी कमाल की शुरुआत की थी और आज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सिद्धार्थ इज हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिम. उनके बाजू में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पीयूष सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए. बॉस्को सीजा, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू ऑफ द कूलेस्ट पीपल ऑफ कोर्स द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, सोनी म्यूजिक इंडिया से, एमडी विनीत सर इज हियर, एक बार जोरदार तालियां विनीत ठक्कर साहब के लिए. एंड बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, 28 सालों का इंतजार है ये. 1996 इज व्हेन हिंदुस्तानी 1 रिलीज्ड. बड़ा सारा प्यार आप सबने उस फिल्म को दिया और तब से लेके अब तक वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सीक्वल. मुझे नहीं लगता भारतीय सिनेमा के इतिहास में इतने लंबे पीरियड के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद किसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है और अब कंट्रोल नहीं होता, अब इंतजार नहीं होता. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू द ट्रेलर ऑफ हिंदुस्तानी 2 फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सी एंड एंजॉय. हियर वी गो. लेकिन एक चीज जिसने मुझे बहुत कूल बना दिया था उस वक्त, वो था सेनापति जी जैसे अपने बाल सही करते हैं. सो 96 में आई ट्राइड दैट अ लॉट. मुझे मयूर भाई बता रहे थे ही आल्सो डिड द सेम अपने स्कूल में. मयूर भाई अभी तो करके दिखाएं. नहीं कोई बात नहीं, मैं वहां जा ही नहीं रहा था, आई वाज़न्ट गोइंग देयर. सो हाउ डिड वी लाइक द ट्रेलर, लेडीज एंड जेंटलमैन? तालियां ही सब कह रही है, ये जो सन्नाटा है ना ये सब कुछ कह रहा है. एंड अब एक एक करके आई विल बी इनवाइटिंग ऑन स्टेज the brilliant people behind this movie. Lekin usse pehle, whatever we saw on that big screen, I think T. Muthuraj saab ke liye ek baar zordar taaliya banti. He is the production designer of whatever magic we saw on that big screen. Of course, ek director ki vision hoti hai and uske baad it's the entire team jo ki saath milke kuch karte hain. Sir, bahut bahut swagat hai. Thank you so much for doing this and helping Shankar sir create all that magic over here. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, on that note, I'd like to invite on stage the brilliant people behind this movie, and we'll start with this fine actor जिन्होंने इससे पहले भी अपनी acting से और उस film से क्रांति ला दी थी. मतलब I was like मुझे इनके जैसा बनना है. Give it up for Siddharth, ladies and gentlemen, please. Hello, the rock star, ladies and gentlemen. Of course, we saw the energy in that song. Jo bhi video aaya, we are loving it. First things first, what do you have to say to all these amazing people here? Namaskar.
बॉम्बे के इसी एक इलाके में मेरी एक फिल्म का प्रीमियर हुआ था जिसका नाम था रंग दे बसंती, और उसके एंड पे मुझे एक मौका दिया गया था कि माइक पकड़ के कुछ बोलो, तो मैंने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने और मेरे दोस्तों ने ये फिल्म बनाई है। तो जो करण सिंघानिया का जो डायलॉग था वो मेरा उस टाइम का अनफॉरगेटेबल मेमोरी बना था, क्योंकि करण सिंघानिया और रंग दे बसंती नाम की फिल्म को अभी इतने साल हो गए फिर भी बहुत फ्रेश है सबके जहन में, और अभी भी बहुत लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इतने साल बाद आप इसी हिंदी फिल्म मीडिया के सामने खड़ा हूँ, और इस बार मैं फिर से गर्व से ये कह सकता हूँ मेरा नाम सिद्धार्थ है, और मैंने और मेरे जो अध्यापक और मेरे जो भी गुरुजी सब हैं उन्होंने मिलकर ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है हिंदुस्तानी 2.0 टॉलरेंस। सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे प्रेस मीट्स अटेंड किए होंगे, जो भी इस टीवी या यूट्यूब के जरिए मुझे देख रहे हैं वो बोल रहे हैं साउथ वाली फिल्म है, साउथ फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। सबसे पहली बात मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ये साउथ की फिल्म नहीं है। अगर ये साउथ की फिल्म होती तो पिक्चर का नाम साउथ इंडियन या यू नो दक्षिण भारतीय होता, पिक्चर का नाम हिंदुस्तानी है। ये एक असली पैन इंडियन और इंडियन पिक्चर और भारतीय पिक्चर है, और इस फिल्म में दो बहुत बड़े दिग्गजों के साथ मैंने काम किया है। एक उनमें से वो हैं जिन्होंने 21 साल पहले मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, तो उन्होंने मुझे पहली बार बतौर एक एक्टर दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था और मुझे मौका दिया था कि मैं एज एन एक्टर अपना करियर बना सकूं। उन दिग्गज का नाम है द ग्रेट शंकर सर, एंड ही इज़ हियर। तो मैं एक शंकर प्रोडक्ट हूँ सिनेमा में, और वो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, और इस मंच पे मैं फिर से मेरे शंकर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मेरी जो पूरी जिंदगी है, आधी जिंदगी से ज़्यादा मैंने बतौर एक एक्टर गुजारा है, तो ये मेरी जिंदगी है, तो मेरी जिंदगी का जो पहला कदम था उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलवाया था, तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं उनको बताना चाहूँगा कि 21 साल बाद उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया है एक पिक्चर में एक्ट करने का, लेकिन इस बार मेरे सामने कमल हसन सर एक्ट कर रहे थे। सो इस मौके के लिए फिर से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब आता हूँ मैं मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ, मेरे कमल हसन सर के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। देखिए, आज की तारीख में आप लोग पैन इंडिया वगैरह वगैरह बोलते हैं, कभी आपको फ्री टाइम मिला तो यूट्यूब पे अप्पू राजा का 100 डेज का फंक्शन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो एक हिंदी फिल्म थी जो हमारे कमल सर ने प्रोड्यूस की थी, और दो रोल्स निभाए थे अप्पू और राजा के, और उस फिल्म के अगर आप 100 डेज का फंक्शन देखेंगे, जो भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज माने जाते हैं वो सब आपको उस वीडियो में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि 30 साल पहले ही मद्रास से आए एक शख्स ने पूरी ये जो ज्योग्राफी है उसको ना सिर्फ हिला दिया, सबको भुला दिया, क्योंकि वो एक इंडियन, पैन इंडियन, पैन ग्लोबल, पैन यूनिवर्सल स्टार हैं हमारे कमल हसन साहब। आज अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं रोज उनके साथ काम कर चुका हूँ इन 21 सालों में, वो मेरे साथ पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने हर दिन जिस कैमरा के सामने मैंने अपनी अदाकारी दिखाई है वो मेरे अंदर से मुझे गाइड कर रहे हैं। तो आज वो इस फिल्म में, मैं उनके साथ अगर मुझे एक्ट करने का मौका मिला है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ माई होल लाइफ। एंड कमल हसन सर टीचेस अस मैनी थिंग्स, उन्होंने हमेशा बताया है कि पिक्चर बात करती है, पिक्चर की जो कहानी है वो बात करती है, और हम एज एक्टर्स, हमारा ये जिम्मा बनता है कि जो भी लेखक जो भी लिखते हैं उसे हम ठीक से और पूरे तहे दिल से हम वो काम करें। तो वो मैंने उनसे सीखा है, और इस फिल्म में जो उन्होंने काम किया है आप तो देख रहे हैं, जो आपके सामने ट्रेलर है, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने जितने दिन दिए हैं और उन दिनों में जितने घंटे दिए हैं और उन घंटों में उन्होंने जितना पेशेंस दिखाया है, क्योंकि उनका मेकअप रोज सुबह 3.5 से 4 घंटा लगता था, और फिर वो उसी मेकअप में पूरा दिन बैठते थे और पानी भी नहीं पीते थे ठीक से, क्योंकि अगर स्ट्रॉ के बिना कुछ भी खाओ तो मेकअप हिल जाता था, तो वो एक स्ट्रॉ के साथ लिक्विड फूड जब भी उनका थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो खाते थे और पीते थे, और पूरा दिन इसी काम पे लगे थे। और उसके बाद जब पैकअप बोला जाता था और मैं घर चला जाता था, वो बैठ के 1.5 घंटा अपना मेकअप उतारते थे, और उसकी वजह से उन्होंने एक दिन भी शिकायत नहीं की, कभी नो कंप्लेंट। एंड जस्ट लाइक इस पिक्चर का टैगलाइन 0 टॉलरेंस है, हमारे कमल सर को अगर आर्ट पूरी तरह से निभाया नहीं जाए उसके बारे में वो 0 टॉलरेंस रखते हैं, तो अपना वो 200% हर दिन देते हैं, एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट गिफ्ट टू वॉच हिम वर्क।
ये फिल्म जो है ये आज की तारीख में बहुत मैं एक जरूरी फिल्म मानता हूँ, क्योंकि जिन हालातों से दुनिया और खास करके हमारा देश गुजर चुका है, और आज जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कॉमन मैन को गुस्सा कब आएगा, कॉमन मैन अपना गुस्सा दिखाता है और हम देख चुके हैं जो वो अपना जो सोचने का ढंग है उसे अपने मतदान से दिखाता है, लेकिन उसके आगे क्या किया जाए। और हम लोग कॉलेज की चाय की टपरी में बैठ के बात करते थे, यार काश एक बंदा होता जो आके सब सेट कर देता, यू नो, वो एक बंदा हिंदुस्तानी है। तो अगर वैसा हिंदुस्तानी आज के हालात में फिर से आके सबको डर और खौफ, जो लोग जो करप्शन करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो दूसरों के जीने का ढंग खराब करते हैं, अगर उनमें एक डर पैदा कर सके, वो आए तो क्या बात है। तो वो है इस पिक्चर का पूरा जो यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स का सेंटर है ये यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ सेनापति। और ये फिल्म, जैसे मैंने कहा था, ये हर एक भारतीय नागरिक के बारे में है, ये हर एक भारतीय फैमिली के बारे में है, और ये हम सभी के बारे में है। तो इस फिल्म में मैंने जो सीखा है वो मैंने इन दोनों से सीखा है, और मुझे इस फिल्म ने जो सिखाया है वो मैं जानता हूँ कि जुलाई 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। मेरे साथ जब हम सब मिलके ये फिल्म देखेंगे, जो भी शिक्षा मुझे मिली है वही शिक्षा ऑडियंस को ये फिल्म पहुँचाएगी, और वो बहुत ज़रूरी एक मैसेज है। एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट विल इन्वॉल्व एंड इंक्लूड एवरीबॉडी। एंड क्योंकि जो लोग बोलते हैं करप्शन किसकी वजह से होता है, हम सब की वजह से होता है। तो देयर इज अ रीजन वी टॉक अबाउट नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स। एक अगर आप उंगली दिखाते हो तो चार आपकी तरफ मुड़ के कुछ बता रही हैं। तो ये फिल्म सारे ऐसे टॉपिक्स डील करती है, एंड इट इज माई एब्सोल्यूट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दिस क्रू। और इस फिल्म के जो टेक्नीशियंस और बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ नहीं आ पाए, उनके बिहाफ पे भी मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत काम, बहुत वक्त, बहुत बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है। और आज हम हमारे शंकर सर का जो विजन देख रहे हैं, वो आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटिंग इट इज फॉर मी टू टेल यू दैट यू कैन कम विथ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग घर पे छोड़ाया या मैं अपना दिल गाड़ी में छोड़ाया, सब कुछ साथ बटोर के ले आइएगा, क्योंकि ये फिल्म उन सभी से बात करने वाला है। और इस फिल्म में मैंने एक और चीज मेरे कमल सर से सीखा है, और जो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज हम एक हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में आए हैं, और इस हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, और कमल सर आपसे हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि कमल सर और मैंने इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में अपनी आवाज़ में डब की है, और वो मैं उनसे सीखी है मैंने वो बात। और आई होप दैट दिस फिल्म विल बी सीन एज अ ट्रू इंडियन फिल्म, एंड ऑल ऑफ यू विल गिव इट ऑल द लव। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, वो जब आज की उम्र में खुद दौड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब पे कितना इंप्रेशन पड़ता है, एंड हाउ इंस्पायर्ड वी आर टू बी पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल टीम ऑफ जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म सर। आई एम वेरी प्राउड टू बी योर प्रोडक्ट, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी योर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। जुलाई 12th वील सी यू इन सिनेमास। थैंक यू। दैट वाज फैबुलस। जोरदार तालियां सिद्धार्थ भाई के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। इतनी शिद्दत और सच्चाई से उन्होंने ये बातें की है यहाँ पे कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा, जोरदार तालियां शंकर सर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, द विजनरी जो हमारे साथ यहाँ पर है। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक एक भारतवासी की तरफ से, एक एक हिंदुस्तानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ये फिल्म बनाने के लिए। एंड व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दी अमेजिंग पीपल हियर सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सबसे पहले, फिर मैं अपने सवाल दागता हूं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एंड 28 इयर्स बैक आई डिड दिस फिल्म, एंड आफ्टर दैट आई वाज डूइंग अदर फिल्म्स। आफ्टर फ्यू इयर्स, नो, व्हेन आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल एंड ऑल, आई एम सीइंग द सेम न्यूज़, लाइक स्टिल द ब्राइब इज देयर everywhere in every state. So I always be thinking, like, if the Hindustani come back in this situation, and my thought process will go on, and I'll be trying to write some story and all, but I'm not able to crack it, because then I'll be doing other movie, and after that movie I used to see the newspaper, the same thing. The same bright news is everywhere in every newspaper, every channel. So again, I'll start thinking, like, how if Senapati comes back, Hindustani comes back and all. So
after every movie, you know, I used to write a story, you know, regarding this. And mainly I took a lot of time for what not to do, because already we have shown this character, what this character will do and what this film is dealing about and all. So slowly it took a lot of time for me to decide what not to do. Okay, finally, like after doing 2.0, no, I cracked the story, and I felt if Hindustani comes now, what will happen? All of my films are like, if it happens, how it looks like. This is also the same kind of thing. If Senapati, I mean Hindustani, comes now, what will happen and what he will do? So that is the story. And my first part is revolving around one state. And now this part two is spreading all over the country. It's going all over the state. And each and every family in the country can connect with this movie, and they will be totally engaged. That's what I believe strongly. And after the movie is over, I strongly believe everybody will start thinking what we as a story, what we did in this film. So that is the thing. And about Kamal sir, like Siddharth explained about the prosthetic makeup and all, like he's a one extraordinary actor, very 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 rare actor in the country, even in the world, we can say. Because like, for example, one scene we shot, the most difficult scene, and we shot for 4 days. All the 4 days he was hanging in the rope. That scene is with Piyush Mishraji, and he's also on the rope for 4 days. Not one shot, from morning to pack up, they have to hang on the rope. Okay, and then prosthetic makeup, and he has to speak Punjabi language. And not only that, we shot that scene 48 frames, I mean slow motion. So what we have to do, first he has to perform, and we have to record in the Nagara in 12 frames. I mean, we record and we have to play in the 12 frames. So the sound will look like fast sound will come. So with that sound, he has to sync his performance by hanging in the rope, putting this prosthetic makeup and other language, and he has to sync and perform for that very fast playing sound. And not only that, he will be drawing something with his hands also. The most difficult scene, I think nobody can do that kind of performance anywhere else like that. So such an actor, and a lot of things we have to say about him. Like, you know, when he comes to the set, you know what is the scene, and he will go through the dialogue, and you know what is the shot, and you'll be seeing where is the camera is placed, and who are all the co-stars, and what are all the props around there, one camera or two camera. Everything he will keep in mind. He will act for all the three cameras at once. Like, so I used to tell him, like, he's just a 360 degree to 360 degree actor. And we can go on and on about Kamal sir. I'm so proud, and I'm happy to be associated with him once again. Thanks for this opportunity, sir. And Siddharth, I'm so proud, because I introduced him in the movie Boys, and now his growth is like, I'm so happy. Like, you can see the performance in the movie, he did very well. And Piyush Mishraji, and I have to thank the production designer, no, that gold set and the one futuristic set, he did a great job. For your information, you may know that he did the production designing for Jawan also. Yeah. And Basco Caesar, they choreographed one beautiful song in this movie. And all actors in the movie, they did a great job. Anirudh did a very, very good music. First time I'm joining with him, and he has delivered what I expected. He did a great job. And I would like to thank all the actors and technicians. I mean, Rakul Preet Singh and Vivek and Bobby Simha, Samudra Gani. There's a big star cast in the movie. I would like to thank all the actors and the technicians for their great effort. And I would like to thank the media
who supported the part one, and I hope you will be supporting this part also. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, आपने सबको थैंक यू बोला. मैं एक एक सिने लवर की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस और इतने कमाल अंदाज में. जोरदार तालियां शंकर सर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. और अब बात हो गई है उनकी, अब बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी. एंड उनकी ख्याति, यू नो, टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, कोई भी शब्द छोटा पड़ेगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कमल हासन साहब का. लेडीज वेलकम सर, प्लीज लुक अप. नमस्कार. नमस्कार. लेट मी फर्स्ट थैंक यू फॉर टीचिंग मी अ लेसन. आई यूज्ड टू थिंक आई एम फ्रॉम तमिलनाडु एंड दैट्स माय प्लेस. यू टॉट मी 35 और मोर इयर्स अगो दैट आई एम एन इंडियन. I was just a South Indian actor. You people made me into an Indian actor. I'm ever so grateful. वो सबक मैंने यहाँ सिखाया. So I didn't know word of Hindi when I was doing my first film. I was exactly what the hero of Ek Dooje Ke Liye was. And without your support, your applause, I couldn't have come back onto the stage. And it looks like only a few days back I was saluting my gurus, and now here is a gentleman who's calling me a guru. I don't know whether to accept it or doubt myself, because I always doubted myself, because I have worked with some of the greatest teachers who have put me on the stage, and some of them have been from here. I'm a great fan and a student of Yusuf Saab, Dilip Kumar Saab. I don't know how many people knew, because it was a secret pact. I used to come here whenever I can on December on his birthday and kneel before him to kiss his hand. I am a movie buff, and I am a child of cinema. I came to act when I was 3 years old. My first film released when I was just about to hit 5. Here I am, still working. Thank you. Thank you so much, sir. So just one little question. You know, when you were making this film with Shankar sir, with this amazing team, what was that one thing jiska khayal aap sabne rakha ki hame ye karna hai? What exactly did you consider that this is what we are supposed to do for Hindustani too? I must tell you one occasion where it was a long, very important, very emotional shot. It is not there in this part, it's in the third part. And he said, I like it. We have a technical issue. I want you to do the same thing again. I said, sorry, sir. I may not be able to do the same thing. It'll be something else. And he agreed. And that's what you'll see in the third part. So I don't plan too much. They have a script. And I can't just read the script. I enact the script. And then people around me prod me in the right direction, and the scene happens. Right. That's the magic I enjoy, even before you people enjoy the magic of our cinema. Right. Oh. Right. So I really don't know how things happen. I don't remember. As a matter of fact, I won't remember any of my films' dialogue. Okay. People, when they repeat it, I'm surprised. How did they memorize it? But I had for that moment, and then I'm washed clean, vessel ready for another dinner. Right. And we remember all your performances, sir, all your dialogues, all your movies, because you are the great Kamal Hassan Saab, ladies and gentlemen. You know, we have a special guest here,
of course, the superstar director. Actually, sir, aaye hain yahan pe is team ko, is film ko support karne ke liye. Give it up for him. To hear from you, what do you have to say about this great team of Hindustani 2? Of course, we had this amazing event at Chennai this morning. People went crazy, and now here we just saw the trailer. What do you have to say, sir? Good evening, everyone. And I'm the biggest fan of Shankar sir. I worked with Shankar sir for 6 years, and he's my guru. The day I wanted to get into cinema is by seeing his films, and especially the film Indian had given a great impact in me as a writer and director, and I am always a fan of Hindustani 1, and now I am going to be the fan of Hindustani 2, and it's a very it's a long wait, but still you have to wait for the best things to come in life. So I think this is going to be the best film for the entire Indian country. We're going to be very proud of this film. I know about this film because I think 10 years back once when we were in a shooting, when I was working as an AD with sir, sir mentioned about an idea, should we do Indian 2? I'm saying about in 2005-06, he was mentioning that time robot was happening. So I think it's a long vision and a big vision, and it's going to come into theatre. And whatever I have seen till this second is something unimaginable. And to be very precise, now we are talking Pan India, now we are talking about films that crosses boundary. I think Hindustani is the film crossed every boundary, and there were a lot of fans for that film, and that's going to shower again. And moreover, to talk about Kamal sir is the Bible of Indian cinema, and he has given everything. What you ask for, I think even my son meets in future, if he needs to know about cinema, first he has to see all his films and know what is cinema. And he's a Bible and encyclopedia of cinema. I always wove him, and I want to work with you, sir. Someday I will crack a script and come to you, sir. And Siddharth is my good friend. And moreover, Ani is not here. Ani is the best musician. He has given Jawan, and this is going to be the next big album. And I'm a big fan of Para song. And that's it I can say now. And you tell me, bro. All good, sir. So good to see you. At least, sir, ke liye ek baar zordar taaliyan ho jaye. Of course, we have to talk about the producers, sir. Laika Productions, Subhash Karan, sir. Before this, they've produced movies like 2.0, PS1, PS2. And they've, of course, distributed some of the biggest films, Tamil Nadu territory, mein, be it RRR, Pushpa or Sita Ramam. Shankar sir, this one's for you. Talking about the budget of this film, because that is something the entire nation, the entire world has been talking about since the day the movie was announced. What do you have to say, sir? The production values, the budget? Actually, other producer is supposed to produce this movie. And when Subhash sir came to know that I'm going to do this Indian 2 for some other producer, he called me as a friend. I'm your good friend. I like this movie a lot. You should do for me only. So, no, with a lot of affection and friendship, he requested to do this film for him. So, that is how it started. And I have a lot of imaginations, some imagination will be very big and some imagination will be very difficult to execute, and some imagination will be very expensive. And without the support of the producer, Mr. Subhash Karan, this film would not have been possible, because I can dream, but my dream will be always a dream only. It won't come into reality unless such a lovely producer support for this movie. Wow. Let's hear it for Laika Productions and Subhash sir, ladies and gentlemen. And yeah, ab jis pal ka intezar aap sab kar rahe the, I'm sure you have a lot of questions. So, kahan se aa raha hai pehla sawal? We'll take questions.